The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. सुना आपने हमने क्या कहा? सभी लोगों को जिनको जवानी फूटती है उनको पिंपल आते हैं. जी हाँ, भाषा बहुत सिंपल है. Whenever you are going through your puberty, then you will have your pimples, your acne. So these are not a disease, this is not a problem, this is something which you have to manage, right? So you have to learn about pimples, ki bhai iska jab aayenge to iske scar kaise nahi banne dene hai. Number one and most important point, scar ban gaye to tum pashtaoge. Chidiya chuk gayi khet tab kya karoge? Phir dermatologist ke paas jaoge aur scar kheloge. But then the point is not about this. About is ke kai logon ko lagatar pimpam bante rehte hain, un logon ko pareshani hai improper skin care routine ki. Ya to wo exercise karte hain, paseena zyada aata hai, ya aisi garmi mein rehte hain, paseena zyada aata hai, skin bahut zyada oily hai, oil zyada aata hai, baal bahut zyada tel lagate hain, sar pe tel lagate hain, sar se tel idhar aa jata hai, bahut zyada face pe haath lagate hain, bahut zyada face wash karte hain, uske wajah se skin dry ho jata hai, andruni oil production badh jata hai, aisi hi bahut sari condition ke wajah se aap logo ko ho raha hai recurrent acne. तो क्या करना होगा? करना होगा ये कि स्किन केयर रूटीन समझनी होगी कि स्किन केयर में क्या आता है. स्किन केयर में आता है नंबर वन फेस वॉश, दिन में दो बार ही करना है. अगर आपका स्किन ऑयली है तो एक बार एक्स्ट्रा, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो एक बार कम ऑयल फेस वॉश लगाएंगे. फेस वॉश, साबुन से कभी नहीं फेस धोना. फेस वॉश में आप एलोवेरा या सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड वाला फेस वॉश ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. फेस वॉश नाउ. देन बहुत इंपॉर्टेंट है फेस वॉश के बाद अपना मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाना, वो भी डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप. अगर स्किन आपका ड्राई है तो सनस्क्रीन होगी आपकी क्रीम, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो होगा जेल. वाटर बेस्ड, क्रीम बेस्ड इज ऑयल बेस्ड, ऑयल बेस्ड क्रीम होती है. क्रीम में आपके आप बहुत सारी चीज़ें आती है. एलोवेरा बेस्ड वाला ले सकते हैं ऑयली स्किन वाले, बटर बेस्ड, कोकोआ बटर, शिया बटर, ये बटर वो बटर ड्राई वाले ले सकते हैं या नॉर्मल सिंपल मॉइस्चराइजर ले सकते हैं. मॉइस्चराइजर के अंदर 15-30% SPF सनस्क्रीन लोशन होगा बेस्ट. नई लोशन है तो अलग से मॉइस्चराइजर के बाद बाहर जाने से आधा घंटा 15 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाना है. एक्सपोज्ड एरिया में धूप से बचना है, पसीने से बचना है, और कैप और ऑयल वॉयल नहीं लगाना है फेस पे, और मुंह पे हाथ नहीं लगाना है. मुंह पे मोबिले नहीं लगानी है. मोबिले यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, रसल पीटर्स. मोबाइल नहीं लगाना है. मोबाइल बहुत ज़्यादा, मोबाइल अगर हम ऐसे ऐसे लगा के घूमते हैं तो आपको हो जाएगा फेस पे एक्ने. सो बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना पड़ता है. इसी सारे छोटी चीज़ों के अलावा आपको यूज़ करना होता है एक्ने प्रिवेंशन एक प्रोडक्ट. सबसे सेफ, सबसे कॉमनली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट है जिनके कम से कम साइड इफेक्ट्स आते हैं, वो बेंजोइल परोक्साइड. बेंजोइल परोक्साइड का 2.5% का लोशन या क्रीम आप ले सकते हैं. उसको एक दाना, चने के दाल जितना, इतनू से दाना को उंगली में लेके उसको टुचुक 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 पूरे चेहरे पे इक्वली लगा के फिर ऐसे लगाना कि पता ही न चले कि हमने लगाया. आपको लगेगा क्या मजाक करवा दिया. जब नहीं, यही काम बहुत इंपॉर्टेंट है. हर रोज डेली बेसिस पे, सिर्फ रात को सुबह नहीं लगाना है. दिस इज ऑल विच यू हैव टू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो क्या होगा, जो आए चुके हैं, देखिए जब भी पिंपल आता है 3 दिन पहले आता है, 3 दिन के बाद उसका मुंह बन के बाहर आता है. तो जो पिंपल बन रहे हैं अंदर वो बाहर आएंगे. पहला हफ्ता पिंपल बढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू होगा. 1-2 महीने लगेगा सही रूटीन के बाद पिंपल आने बंद हो जाएंगे, बशर्ते कि आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होने बंद हो गए. PCOD है तो पिंपल ज़्यादा आएंगे. क्या नाम है, आपका प्यूबर्टी से जा रहे हो तो पिंपल ज़्यादा हो गए. उल्टे सीधे स्टीरॉयड ले रहे हो तो पिंपल ज़्यादा आएंगे. सो समझो बात को जिससे आ रहे हैं, और भाई साहब उसको फोड़ना कभी मत. पिंपल पिकिंग नहीं करनी, उसके ऊपर क्या लगाना है, एरीटॉप एरिथ्रोमाइसिन क्लिंडामाइसिन का जेल या क्रीम लगानी है, बस ख़त्म. बहुत ज़्यादा पिंपल प्रॉब्लम है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके मिलिए, फिर वो आपको आपकी कंडीशन के लिए इससे ज़्यादा हैवियर दवा देंगे. यहाँ पर हम सेफ़ चीज़ें बता सकते हैं, और यही सेफ चीज़ें बताई देता हूँ. सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमनली वर्क करती है परमानेंटली पिंपल प्रिवेंशन में. कई लोगों का प्रॉब्लम है पिंपल ठीक तो हो जाते हैं वापस आ, फिर ठीक तो हो जाते हैं वापस आ जाते, ठीक तो हो जाते हैं वापस आ जाते. तो इस साइकिल को बंद करेगी ये रूटीन. सो रिमेंबर, हमारा यूट्यूब चैनल पे इसके ऊपर डिटेल वीडियोज़ भी है. एक्नी पिंपल बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करके पूरा डिटेल वीडियो देखिए. ओवरऑल आप लोगों को इसका बेसिक फंडा हम बता ही चुके हैं. दैट्स ऑल अबाउट पिंपल. थैंक यू सो मच.